पग। मजा आ गई भाई। भैया बहुत बात हो गई, इला गरम गरम पकोड़े खाओ। अरे कुसुमिया थोड़ा अचार और चटनी भी लेते आना। अच्छा इला बेटा, इच्छा भर खाई ला। हाँ ला। लगता है शहर में खाना मिला ही नहीं। खाना तो वहाँ भी मिलता था अम्मा, मगर तुहार हाथ जैसा स्वाद नहीं। वो तो सांस चलती रहे बस इसलिए खा लेते थे। का हुआ बेटा, तीखा है का? नहीं चाची, अम्मा की याद आ गई आपको देखकर। अच्छा अम्मा अब हम जाते हैं, अमर को खेत घुमाने का उका है ना, शहर में खेत नहीं होता ना, तो अमर को खेत घुमा दे और थोड़ा होरहा भी खिला दे। अरे इसको गन्ना वन्ना चुसवा देना और खेतवा पर देख लेना कि काम वाम हुआ था कि नहीं। ठीक है बाबूजी, चल अमर। जावा इलो, पानी लाए तो पीने के लिए। ए अमर, ये देख, ये प्रकृति, ये नेचर, ये खेत देख, ये खलियान देख, कैसन लगत है? बहुत सुंदर। वो जो गांव दिख रहा है ना, वो तो हर भौजी का गांव है। उस सामने जो खेत दिख रहा है ना, वो सब उन्हीं लोगों का है। बेटी बैठो, हम जरा आवत हैं। हाँ अगर देर होए तो तुम चले जाना, हम खाना खा लेंगे। ऐसे का देख रहे हो बबुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, हमको भी प्यास लगे प्यास। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते, ये हमारा दोस्त अमर है, शहरी बाबू है ना, इसको खेत घुमाने लाए हैं। हम सुने रहे कि लोग शहर घूमने जाते हैं, इस शहर के लोग खेत घूमने गांव आते हैं। अब शहर घूमने लग रहे कहाँ, जिधर देखो बस सीमेंटों के जंगल, कारखानों का जहरीला धुआं, मोटर गाड़ियों की चिल्लम पोर, प्रदूषण भरी हवाएं। ऐसे में क्यों ना लोग गांव की तरफ आए। ये सब तो हम नहीं बुझ सके हैं, मगर तो प्यास बुझा देते हैं। जीजा जी आप भी पानी पियेंगे का? नहीं साले जी हम नहीं पियेंगे। अच्छा जीजा जी हम जाते हैं, नमस्ते, पानी पी लेना। कैसे हो चाचा? ठीक है बेटा, तू हूँ सुनावा शहर का हाल चाल? सब ठीक है बा, ये हमारा दोस्त अमर है। नमस्ते। शहर से आए गांव घूमने। कहा चाचा ये आपकी बेटी है? हाँ बेटा। ये तो कितनी सुंदर है, सुशील है, फिर ये सफेद साड़ी क्यों? छोड़ा ये सब बात, ये सब किस्मत की बात बा, गीता विधवा ही है। क्या इसकी तो उम्र आप जाके शादी की हुई है? इसका ब्याह 7 साल की उम्र में हुआ था और 12 साल की उम्र में विधवा हो गई। ये बेचारी तो ठीक से अपने पति का चेहरा भी नहीं देख सकी। तो क्या हुआ, इसकी फिर से शादी कर दो। का कहते हो बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? का कभी विधवा का शादी होता है? का कहे नहीं हो सकता है, का गलती है उसका विधवा होने में? नहीं हम ये सब नहीं जानते, अपना जो संस्कृति है, धर्म है, परंपरा है, बस हम वही जानते हैं। लेकिन ये गलत है चाचा, हमारे देश के कानून में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विधवा की शादी नहीं हो सकती है। अच्छा हम चलते हैं, आप सोचना एक बार, जरूर सोचना का गलत है और का सही। चलो अमर। बोले चाचा कल शमशेर जी तुम्हारे दुकान पे आके बड़े धमकी अमकी देके गए हैं। हाँ तो का हुआ? अरे हमरा गांव का मामला है, अरे तुमको इससे का करना है? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे चाचा। अरे खर खेसवा चाचा, ये धोती लटकाया ऐसे ही घूमते रहोगे ना, गांव का मुखिया नहीं बनोगे, कोई भी तो हाँ धोती ऐसा ही खींचेगा। हाँ अरे खर खेसवा तुम हमका यार इतना उपदेश देते हो, हाँ तुम हमको इतना बोलते हो, नाक रगड़ते रह गए। राधा ने
नजर तक उठा कर नहीं देखा। चाचा तुम राधा के बारे में बोल के हमारा दिल ना दुखाए करो। हाँ अरे उसी के खातिर तो हम आज तक बचपन से लेके आज तक जीते आ रहे हैं। चाचा हम तुमसे एक बात पूछने आए थे। ये अमर है ना किशन का दोस्त जो शहर से आया है, ये हमेशा उमापुर की ओर ही दिखाई देता है, ये मामला का है? कौन सा? अरे वो अमर। अरे तो हमको ये सब का मालूम? आया होगा किसी फेर में ससुरा, हम ये फेर में नहीं रहता हूं, और लाइन वाइन मारने जाता होगा। ओ लाइन मारे ही जाते टकलू। ये लो आ गई फड़कती जवानी। अब सुन लो इससे पूरे गांव की कहानी, कौन किधर ताक झाक करता है, कौन किसको लाइन मारता है, ये सब बता देगी। अब हमारा मुंह मत खुलवा। नहीं बताएगी किसको कौन लाइन मारता है। ज्यादा पक पक मत करा टकलू, बताए दे थे। अब है लिस्ट बनाएंगे ना तो सबसे पहले तुहार नाम है वही। हाँ डोकरा ज्यादा दांत ना दिखा, कहीं चाची को पता चल गया ना तो इतना जूते मारेगी, इतना जूते मारेगी। ये जो नकली दांत है ना ये भी बाहर आ जाइए। हाँ बहुत बोलता है। अच्छा बता ना क्या बात है। अरे वो जो आवा है ना अमर शहर से, वो तोहार गीता के ऊपर लाइन मार रहा है। हाँ क्या बात करती है? अरे वही जो सच्ची है। हाँ ये बात है। अरे खर के स्वाद सुन ले। ए गीता। हाँ अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे शहरी बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो नदिया पार? पता नहीं ऐसे चला आया, आज कुछ दिल नहीं लग रहा था तो सोचा तुमसे मिलने चला हूं। ए शहरी बाबू ई का कर रहे हो, कोई देखेगा तो का कहेगा? हमको किसी का डर नहीं है। ए तुमको तो बुरा नहीं लगता ना, बोलती क्यों नहीं? हमारा मिलना तुमको अच्छा नहीं लगता क्या? वो बात नहीं है लेकिन ये गांव का समाज एक विधवा के चेहरे पर खुशी नहीं देख सकता। गलत करता है समाज, मगर तुम इस समाज से क्यों डरती हो? ये शहर नहीं है बाबू, यह हमारा कौन साथ देगा? हम साथ देंगे, हमारे ऊपर भरोसा है ना। डर लगता है, हम सारी दुनिया से टकरा जाएंगे, बस तुम साथ देना। मझधार में साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं, किस्मत पर भरोसा नहीं होता है। हमारे ऊपर भरोसा रखो बस। फलक के तीर का क्या निशाना है, एक तरफ है आग दूसरी तरफ मेरा आशियाना है, जब पहुंच रही है कश्ती मेरी किनारे पर तभी इस तूफान को आना है। ए अमर क्या सोच रहे रे? कुछ नहीं यार, हम उस गीता के बारे में सोच रहे थे। तो हर कहने का मतलब? न जाने क्यों बार बार उसका ही ख्याल आता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है हमको। अमर तुम जानते हो ना वो विधवा है, क्या हमारा समाज इसको स्वीकार कर पाएगा? एक बार और सोच लो। बहुत सोचा रे, बहुत सोचा, बल्कि ये कहो जब से इस गांव में आया हूं उसके बारे में ही सोच रहा हूं। लगता है बात बहुत आगे बढ़ गई है। का इरादा है भैया? किशन अगर तू मेरा साथ दे तो मैं उसकी जिंदगी का सुनापन खत्म कर दूंगा। तोरे खातिर तो हमारा जान भी हाजिर है रे, और तू साथ देने की बात करता है, लेकिन ये सोचा तो हर बाबूजी उसे स्वीकार कर पाएंगे? उसकी चिंता हमको नहीं है, अगर वो नहीं भी माने तो हम अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। बस तू सोच
कि गांव वालों को कैसे संभालना है। अगर ऐसा है तो हम तोहरे खातिर पूरे गांव वालों से टकरा जाएंगे। किससे टकराने की बात कर रहा था बिटवा? कुछ नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा वो अवधेश जी की लड़की है ना गीता, जानती हो? हाँ मालूम है। कहाँ हुआ ओके? वो जो विधवा है ना? हाँ उसको कुछ नहीं हुआ, ये अमर है ना वो उससे ब्याह करना चाहता है। का? ये कैसे हो सकत है? वो तो विधवा है, कहीं विधवा का भी शादी होत है का? काहे नहीं हो सकता, का कमी है उसमें? अरे विधवा होने में उस बेचारी का क्या गलती है? अरे उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि काहे वो सिंदूर लगा रही थी और काहे उसका सिंदूर पोंछ दिया गया। जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी ये पुरानी परंपरा है, ना हम ओका तोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। और सुना, आज के बाद अगर तेरी जबान पर होकर नाम भी आया तो मैं तेरी जबान काट कर फेंक दूंगा। जा सो जा। अच्छा बेटा अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, और अमर बेटा कल गांव का होली देख लेना, तुम शहर का होली भूल जाओगे। अरे कार नौनिया, नौवा से तेरा जी नहीं भरा का? जो हमारा कुर्ता पजामा को रंग दिया। आ गुजा। लागत है रंग भीतर तक चला गवा है, लो सुखावे का इंतजाम कर देते। तोरी जवानी आज ज्यादा उछाल मार रही है।